पब्लिक टीवी आपकी आवाज। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की प्रांतीय बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण समाज की भागीदारी पर चर्चा की गई। प्रदेश अध्यक्ष पंडित सत्येंद्र शर्मा ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में ब्राह्मणों को उचित सम्मान और प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, क्योंकि प्रदेश में 4 करोड़ ब्राह्मण हैं। जो राजनीतिक पार्टी सर्वाधिक टिकट ब्राह्मणों को देगी, ब्राह्मण महासभा उसका समर्थन करेगी। सपा सरकार ने भगवान परशुराम जयंती पर अवकाश किया था, जिसे प्रदेश सरकार ने समाप्त कर दिया है, जो कि ब्राह्मणों का अपमान है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भगवान परशुराम की 108 फुट ऊंची प्रतिमा लगाने की घोषणा की है। ये ब्राह्मणों का सम्मान है, लेकिन उन्हें ब्राह्मणों को प्राथमिकता के आधार पर टिकट देने चाहिए। 2 टिकट प्रत्येक मंडल में ब्राह्मणों को दिए जाने चाहिए। प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा ने ब्राह्मणों को अधिक से अधिक टिकट देने की पैरवी की है। जिसके साथ है, जो सम्मान देता है, उसके साथ रहता है। और पहले भी माननीय मुलायम सिंह यादव, जो हमारे पार्टी के संरक्षक हैं, उन्होंने परशुराम जयंती की छुट्टी की थी, तो ब्राह्मणों ने भारी योगदान पार्टी को किया था, और अभी भी ब्राह्मण पूरी ताकत के साथ जुटे हैं। अखिलेश जी ने अभी जो 108 फुट ऊंची मूर्ति की घोषणा की है, मैंने कल भी कहा था मीटिंग में, तो उसके लिए हम उनके आभारी हैं कि उन्होंने हमें सम्मान दिया। और निश्चित रूप से ब्राह्मण पूरी ताकत के साथ पार्टी को जिताने के लिए काम करेगा। लेकिन लेकिन मैं ये चाहता हूँ, हमारी ये मांग भी है, और कल सारे जितने भी हमारे अध्यक्ष आए थे मीटिंग में, हमारी प्रांतीय मीटिंग थी कल यहाँ पे, तो उन सबका एक सूत्रीय कहना था कि हमें सम्मान के साथ साथ प्रतिनिधित्व भी चाहिए। कम से कम हमने मांग रखी है, कम से कम 18 मंडल हैं, और 1 मंडल से अगर 2 टिकट भी ब्राह्मण के हों तो हमें अच्छा सम्मान मिलेगा। तो इसके लिए कल हमने चर्चा की है, और ब्राह्मण समुदाय जुट के वोट करेगा, पूरी ताकत झोंकेगा। लेकिन इस बारे में पार्टी के मुखिया को ये सोचना चाहिए कि इस समुदाय को हम इस सम्मान के साथ साथ पार्टी के टिकटों के बंटवारे में भी प्रतिनिधित्व दें, और हर मंडल से 2 टिकट की व्यवस्था होनी चाहिए। क्या लगता है, जिस तरह की रणनीति अब तैयार हो रही है, उसमें जो ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधित्व जो करने के लिए जो मांग रखी गई है, उस पर कितना विचार होगा, क्या कहें? नहीं, भरोसा है हमें, माननीय अखिलेश यादव जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बिल्कुल सबको साथ लेके चल रहे हैं, हर जाति प्रजाति का पूरा सम्मान कर रहे हैं, हर वर्ग का सम्मान इस समय समाजवादी पार्टी कर रही है, और हमें पूरा विश्वास है कि हमें भी पूरा सम्मान मिलेगा, पूरा मान मिलेगा। और मैं समझता हूँ टिकटों के बंटवारे में भी, भाई ये तो हाईकमान का फैसला होता है, हमें मान्य है, लेकिन वो निश्चित रूप से सोचेंगे, इस पर विचार करेंगे कि भाई इन्हें प्राथमिकता के आधार पर सीट मिलनी चाहिए। तो जो बैठक हुई आपके द्वारा, उसमें क्या विचार रहा, कि आवेदन करने की भी कोई बात रही है, कि आवेदन किया जाए? नहीं, बिल्कुल किया है, और आवेदन का जहाँ तक है तो आवेदन हम कर चुके हैं। आवेदन ब्राह्मण सभा की तरफ से बहुत सारे वहाँ पहुँच चुके हैं, यहाँ से भी पहुँच चुका है, मेरा आवेदन पहुँच चुका है। तो उसके लिए हमने ख़ास तौर से, मेरा जो पैतृक है नूरपुर, उस सीट के लिए हमने कहा है, हालांकि आवेदन, मैं मुरवाद रहता हूँ, मेरा कर्म क्षेत्र मुरवाद है, तो नगर की सीट भी हमारे उसमें है। तो जहाँ से भी वो समझेंगे कि हम वहाँ से कुछ परफॉर्म कर सकते हैं, तो बिल्कुल ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला रहेगा, हमें मान्य होगा। बहरहाल कहा जाए कि अगर ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधित्व अगर रहेगा, तो कहीं ना कहीं सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाएगा, बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा, क्योंकि आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के अंदर 4 करोड़ ब्राह्मणों की संख्या है। टोटल जो 22-23 करोड़ आज की तारीख में ब्राह्मण है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसमें से 4 करोड़ बल्कि ज़्यादा ही होंगे ब्राह्मणों की संख्या है। तो बिना ब्राह्मणों के काम तो चलेगा नहीं किसी भी पार्टी का। अखिलेश जी, क्योंकि नेताजी ने भी बहुत सम्मान दिया है, अखिलेश जी बहुत सम्मान दे रहे हैं, लेकिन वही सम्मान अगर टिकटों के बंटवारे में हुआ, तो निश्चित रूप से, क्योंकि हम भी अपने, मान लो मैं पार्टी में ब्राह्मण सभा का अध्यक्ष हूँ, तो हमारे नेता हमसे पूछेंगे, एक बात बताइए, जब आपको टिकट नहीं मिलेगा, हमारे नेताओं को टिकट नहीं मिलेगा, तो हम क्यों इस पार्टी से जुड़ें? ये एक बड़ा सामान्य सा क्वेश्चन है। तो मैं समझता हूँ इसे पोस्ट करने के लिए, यदि ब्राह्मण समाज के नेताओं को, ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधियों को अगर पार्टी सम्मान देती है, टिकट देती है, तो निश्चित रूप से हमारा समुदाय पूरा पार्टी के लिए बिल्कुल अपनी पूरी ताकत झोंकेगा और पूरी निष्ठा से चुनाव लड़ेगा। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।